हाय एवरीवन तो आज की वीडियो में हम देख रहे होंगे कि व्हेन वी टॉक अबाउट दी एप्लीकेशन ऑफ स्टार्ट तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से रिलेटेड और वो क्वेश्चन करने के लिए जरूरी है कि हम समझें कि ये प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स होते क्या है यार तो आज की वीडियो में हम वही समझने वाले और स्टार्ट करते हैं हमारे इनफिक्स एक्सप्रेशन से तो उस पर जम करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यार एक्सप्रेशन क्या होता है तो यार ये तीनों जो मैंने यहाँ पे दे रखे है ये एक्सप्रेशन है तीनों इसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे कि प्लस साइन हो गया माइनस साइन हो गया मल्टीप्लीकेटिव साइन हो गया या फिर हमारे ब्रैकेट्स हो गए राइट तो ये सब होता है हमारे एक्सप्रेशन अब इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है यार यहाँ पे जब भी हम कोई ऑपरेशन लिखते हैं जिसमें हम एक बाइनरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं हमारे दो ऑपरेशन होते हैं क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर है और उसके बीच में हमारा ऑपरेटर आता है सो दिस इज द वे जिसमें हम नॉर्मली अपने किसी भी एक्सप्रेशन को लिखते हैं जब हमें कोई ऑपरेशन करना होता है तो यार इसी को बोलते हैं हम इनफिक्स नोटेशन जिसमें हमारे ऑपरेंट्स साइड में आते हैं और हमारा जो ऑपरेटर है वो बीच में आता है तो ऑल ऑफ दीज एक्सप्रेशन आर इनफिक्स नोटेशन अब बात आती है यार कि इनको

फ्रीडम आ जाती है कि मैं इसको कैसे इवेलुएट कर रही हूँ अब राइट right वे इसको इवेलुएट करने का वो हम लोगों को पता है क्योंकि प्लस right? तो और माइनस से राइट सो दिस वुड राइट वे टू इवेलुएट दिस एक्सप्रेशन जिसमें हम पहले मल्टीप्लीकेशन कर रहे होंगे और फिर उसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो थ्री में एड कर रहे होंगे प्रिसीडेंस यार ये होती है जो हमारे नॉर्मली ऑपरेटर्स

ये ये वाला होता है जो पावर वाला होता है

करती है पहले माइनस तो उसके लिए यार हमारे बस होती है, जो मेरा और का होता है, इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है बट मेरा जो ये एक्सपोन साइन होता है ना यार एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर मैंने यहाँ पे लिख रखा है टू रेस्टू पार्ट थ्री रेस्टू पार्ट टू तो इसको मैं राइट से इवेलुएट करना स्टार्ट करूंगी मतलब कि मैं पहले इसको इवेलुएट करूंगी थ्री टू पार्ट टू करूंगी जो कि आएगा नाइन और फिर इसको वैल्यूएट करूंगी टू रेस्ट पार नाइन ठीक है तो टू रेस्ट नाइन इसका आंसर होगा ना कि मैं पहले टू रेस्टूबार थ्री कर रही हूँ और फिर उसको रेस्टूबार टू कर रही हूँ तो हमें पता है कि हमारे ऑपरेटर्स की क्या होती है बट क्या ये प्रिड हमारे कंप्यूटर को पता है नहीं तो यार उसके लिए आता है हमारा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को हम पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं और इस नोटेशन में हम क्या कर रहे होंगे यार पहले आता है हमारा ऑपरेटर और उसके बाद जो भी दो ऑपरेशन

अब इसको प्रीफिक्स में करने के लिए क्या करूँगी मैंने सबसे पहले ब्रैकेट्स लगा दिए अपने पूरे एक्सप्रेशन में उसके बाद मैं सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करूंगी और जो भी ऑपरेटर है उसके अंदर उसको बाहर ले आऊंगी और ब्रैकेट से पहले रख दूंगी ठीक है तो इसको मैं यहाँ पर ले आऊंगी अब ब्रैकेट्स के बाहर तो मेरा क्या आ गया यहाँ पर आ गया मल्टीप्लीकेटिव साइन और ब्रैकेट्स के अंदर आ गया फोर और टू राइट right. अब मैं अपने बाहर वाले ब्रैकेट पे जाऊंगी तो यहाँ पे मेरे पास ऑपरेटर क्या है प्लस साइन राइट right? तो इसको मैं इस ब्रैकेट से, उस से उसको बाहर ले आऊंगी और उससे पहले रख दूंगी तो यहाँ पे आप देखिए ये करने के बाद मेरा जो आंसर आएगा वो ऐसे ही आ रहा होगा हमारा प्लस साइन सबसे पहले यहाँ पे आ रहा होगा फिर यहाँ पे हमारा मल्टीप्लीकेटिव साइन आ रहा होगा फिर फोर टू और थ्री सो दिस इज आर प्रीफिक्स नोटेशन फॉर दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यार यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डिविजन साइन की जो प्रिसीडेंस है वो ज्यादा होगी राइट तो पहले ये वैल्यूएट होगा और फिर ये पूरा फाइव में से माइनस हो रहा होगा राइट right. तो अब यहाँ पे भी मैं यही करूंगी अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करूंगी और जो डिविजन साइन है इसको मैं यहाँ तो इस पे हमारा ऑपरेटर है माइनस साइन तो इस माइनस साइन को मैं फाइव से पहले ले आऊंगी तो मेरे पास जो प्रीफिक्स नोटेशन आएगा वो कुछ ऐसा होगा पहले माइनस आएगा दिस इज द प्रीफिक्स नोटेशन फॉर दिस इनफिक्स ऑपरेशन अब आप ये सोच रहे होंगे कि कि भाई आपने बोला कंप्यूटर को समझ में आ रहा होगा जबकि इनफिक्स नहीं आता तो भाई इसमें कैसे पता चलेगा कंप्यूटर को कि क्या हमारी प्रेसिडेंस है और कौन सा ऑपरेटर कौन से दो पे लगाना है तो यार अभी जिस वे में हम इस इनफिक्स से प्रीफिक्स में आए हैं इसी लॉजिक को अगर मैं रिवर्स कर देती हूँ तो मैं प्रीफिक्स से जो मेरा राइट right है उस पर पहुँच सकती हूँ कैसे यार यहाँ पे समझिए तो मैं क्या करूँगी इस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को पीछे से देखना स्टार्ट करूँगी ठीक है तो यहाँ पे पहले मेरे को दो अपने ऑपरेंट्स मिले और उसके बाद एक ऑपरेटर मिला तो मुझे पता है यार कि ये जो ऑपरेटर है सो आई विल राइट की सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री ये तो

तो बना लेंगे फिर को हमारा कंप्यूटर इवेलट कर लेगा क्योंकि उसमें उसको ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि क्या है हमारे ऑपरेटर्स की सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास पहले तीन ऑपरेंस आ रहे हैं मैं पीछे से देखना स्टार्ट कर रही हूँ और उसके बाद एक मेरा यहाँ पे ऑपरेटर है तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ क्या ये जो ऑपरेटर है मल्टीप्लीकेशन का ठीक है तो ये काम कर रहा होगा इन दोनों हमारे ऑपरेंट्स पे ठीक है जो भी इसके ऑपरन्नस होंगे वो इसके जस्ट बाद आ रहे होंगे राइट तो मैं लिख सकती हूँ कि यार सबसे पहले तो यहाँ पे फोर इंटू टू हो रहा होगा राइट और फिर क्या हो रहा होगा जो ये एड वाला साइन है ये हमारा सम हो रहा होगा तो वो किसके साथ हो रहा होगा वो थ्री के साथ हो रहा होगा तो हमारा जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था वो कुछ ऐसा रहा होगा राइट right. तो ऐसे यार हमारा कंप्यूटर जो है वो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को समझ लेता है लेकिन वो इनफिक्स को नहीं ठीक से इवेलुएट कर पाता तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के लिए इनफिक्स सही है लेकिन कंप्यूटर के लिए प्रीफिक्स सही है ठीक है तो अब एक और भी एक, हमारा नोटेशन होता है यहाँ पे जो कि होता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स को हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं और इसमें क्या होता है यार हमारा पहले दो ऑपरेंट आते हैं जिन पे हमें ऑपरेशन करना है और फिर ऑपरेटर आता है तो अगर मेरा ये एक्सप्रेशन है इनफिक्स और इसको मैंने पोस्ट फिक्स में करना है तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट्स लगा लूंगी जैसे कि मैंने प्रीफिक्स में लगाए थे तो फोर इंटू टू होगा पहले और फिर उसमें थ्री एड होगा अब यहाँ पे ब्रैकेट से मैं बाहर निकालूंगी और ब्रैकेट्स के बाहर रख दूंगी जैसे प्रीफिक्स में हम पहले रख रहे थे ऐसे पोस्टफिक्स में हम बाद में रख देंगे तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो

ऐसा हो रहा होगा अब पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को भी हमारा कंप्यूटर जो है वो ईजिली समझ पा रहा होगा कि क्या कौन सा ऑपरेटर पहले लगाना है कौन से दो ऑपरेशन पे कैसे वो यहाँ पे शुरू से देखना स्टार्ट करेगा ठीक है यहाँ से स्टार्ट करेगा और देखेगा कि अच्छा ठीक है फाइव सिक्स है थ्री है और उसको सबसे पहले मिलेगा यहाँ पे डिविजन का साइन राइट तो उसको पता है कि इसके जो भी दो ऑपरेशन पे ये काम कर रहा होगा वो इसके जस्ट पहले आ रहे होंगे राइट तो हमें पता है कि सिक्स और थ्री पे ये काम कर रहा है तो हम लिख देंगे सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री हो रहा है पहले तो ठीक है और फिर उसे मिलेगा हमारा माइनस साइन तो माइनस साइन से पता है कि जो यहाँ पे आंसर आ रहा होगा एक ऑपरेंट वो हो गया और एक ऑपरेंट हो गया फाइव तो हमारा जो इनिशियली होगा एक्सप्रेशन वो कुछ ऐसा होगा राइट एंड सिमिलरली इस केस में भी अगर हम स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करें तो फोर आया टू आया और फिर हमें मल्टीप्लीकेशन साइन मिला तो हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन साइन से पहले भी दो जो ऑपरेंट आ रहे हैं वो इस पर काम कर रहा होगा ठीक है तो हमें पता है कि पहले तो यार हो रहा होगा फोर इंटू टू और फिर अगर हमें थ्री मिलता है और फिर प्लस साइन मिलता है तो हमें पता है कि यहाँ का और यहाँ का रिजल्ट आएगा वो दोनों मेरा ऑपरेंस होंगे तो इसमें मैं थ्री को ऐड कर दूँगी तो ऐसे हमारा कंप्यूटर जो है वो सही तरीके से इवालुएट कर लेगा हमारा जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था उसको अब इन द नेक्स्ट अगर हमें दे दे रखा रखा है है या फिर expression दे रखा है, तो हम उसको कैसे कोर्ट से सही तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं एंड देन हम ये भी पढ़ेंगे कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स या इनफिक्स टू प्रीफिक्स हम कोर्ट के थ्रू कैसे कर पा रहे होंगे